हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स वर्सेस एसटी लुशिया ज़ूक्स के बारे में। बड़ा मुकाबला है, काफी बढ़िया ये वीडियो होने वाली है, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले बात करें ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स की, तो इस सीजन में अभी तक इन्हें सिर्फ एक ही हार मिली है और वो भी इनके पिछले मुकाबले में मिली थी, जो कि थी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ। तो ऐसे में उस मुकाबले में इन्होंने जरूर 216 रन बनाए थे, पर फिर भी उसे डिफेंड नहीं कर पाए थे और वो मुकाबला जो है सुपर ओवर में चला गया था और वहां पे सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने जो है 18 रन बना दिए थे। और ऐसे में इनके कप्तान कैरन पोलार्ड सिर्फ 5 रन बना पाए थे 6 गेंदों में, तो जरूर वो मुकाबला जो है ये भुलाना चाहेंगे। पिछला मुकाबला उसमें इनका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था, पर फिर भी अभी भी ये पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ एक हार मिली है, तो ऐसे में कोई ज्यादा दिक्कत का विषय तो है नहीं, बस सिर्फ उनको जो है थोड़ी सी बॉलिंग पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज जो इस सीपीएल में नोट की जा सकती है वो ये कि इस सीजन में लगभग सभी टीमों की दिक्कत बॉलिंग ही रही है। ज्यादातर टीमों की हम लोग कह सकते हैं कि बैटिंग बढ़िया है पर बॉलिंग में ही दिक्कत रही है, ऐसी कोई टीम नहीं है जिसकी जो है बॉलिंग बहुत ही अप टू द मार्क हो। और यहाँ पे कहना पड़ेगा अभी तक तो इस सीपीएल के सीजन को जो है बैट्समैन ने ही डोमिनेट किया है, बैट्समैनों का ही जो है प्रदर्शन काफी ताबड़तोड़ रहा है। इस सीपीएल में हमने तो अभी तक कई रिकॉर्ड देखते हुए देखे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर्स बनते हुए देखे। तो ऐसे में यहाँ पे एक टिप मैं आपको पूरे सीपीएल के लिए देना चाहूंगा कि आप हो सके तो जो है किसी भी प्लेइंग 11 में ज्यादा बैट्समैन रखिए, जितना जो है लिमिट है उतने लिमिट तक जो है बैट्समैन रखिए, बॉलर्स को कम ही रखेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि अभी तक सीपीएल जो है बैट्समैन के फेवर में ही रहा है और आगे भी लग रहा है कि हाई स्कोरिंग मुकाबले ही हमको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपका फायदा इसी में होगा कि आप जो है अपने टीम में जो है ज्यादातर बैट्समैन रखते हैं, जितना भी उस ऐप का है उस वेबसाइट का लिमिट है उतने फुल बैट्समैन रख दीजिए, ताकि ये एक टिप जो है आपको इस पूरे सीपीएल में प्लेइंग 11 सेट करने में मदद कर सकती है। अभी बात करें एसटी लुशिया ज़ूक्स की, तो इनके लिए जो है रखीम कार्नवाल काफी बढ़िया रहे हैं इस सीजन में, बैटिंग को जो है उन्होंने ही संभाला है और बॉलिंग में जो है ओबेड मोकोय ने काफी बढ़िया बॉलिंग की है, इनके लिए बॉलिंग में वो लीडर रहे हैं। तो ये दो खिलाड़ी इस टीम से काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी इस टीम का ओवरऑल प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं रहा है जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी। ये टीम से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, दूसरे लोगों ने इस टीम को जो है काफी अंडररेट किया था, पर फिर भी मुझे लगा था कि ये टीम बढ़िया परफॉर्म करेगी और उन्होंने उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है। तो देखने वाली चीज होगी कि कैरन पोलार्ड के ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के खिलाफ किस तरीके से इनका प्रदर्शन रहता है। अभी बात करूं कुछ की प्लेयर्स की, तो लेंडल सिमंस, आंड्रे फ्लेचर, कैरन पोलार्ड, ओबेड मोकोय, रकीम कॉर्नवॉल, जिमी नीशम, ये सब खिलाड़ी है जिन्हें आपको अपनी टीम में रखना ही चाहिए। ये खिलाड़ी आपको जो है पॉइंट्स कमाकर दे सकते हैं। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता था कि क्या मुझे अपनी वीडियोस में आपको दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 बतानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपको दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 बताऊं, जो कि मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड 11 खिलाड़ी होंगे जो कि खेलेंगे मुकाबला, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं अपने वीडियोज में ये चीज, तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आज मैं जो एक पोल भी डाल दूंगा पोस्ट के द्वारा, तो उस पोस्ट में जो है आपको वोट करना होगा कि आपको क्या लगता है कि क्या मुझे प्लेइंग 11 बतानी चाहिए वीडियो में। तो ऐसे में जरूर से उस पोल में वोट कीजिए या फिर हमें कमेंट करके अपने विचार बता दीजिए। अभी बात करें मेरे प्रेडिक्शन की, तो मेरा मानना ये मुकाबला जीतेंगे ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स, मुझे लग रहा है ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।